हे अष्ट देखपाल, नवग्रह, देवराजेंद्र, कहाँ हैं आप सब? कोई मुझे इस संकट से उबारने की युक्ति सुझाने क्यों नहीं आ रहा? मेरे प्रभु श्री राम की ऐसी दशा देखकर भी आप सब शांत क्यों हैं? धर्म युद्ध पर निकली वानर सेना की ये अवस्था देखकर भी आपका हृदय द्रवित क्यों नहीं हो रहा? इतना समय व्यतीत हो गया और कोई मुझे इस समस्या का समाधान क्यों नहीं बता रहा? नारायण नारायण, किस मुख को लेकर हनुमान के समक्ष आए हम? क्या उपाय बताएं उन्हें? कोई उपाय होता तो बताते। दुर्भाग्यवश इस नागपाश का कोई तोड़ ही नहीं। हे ब्रह्मदेव, हे विष्णुदेव, हे भोले बाबा, अब तो आप ही का आसरा है। आप ही बताइए कैसे प्रभु श्री राम को इस नागपाश से मुक्त कर सबको इस कठिनाई से मुक्त करूं? बताइए, बताइए, आप ही बताइए प्रभु, कैसे मुक्त करूं? यदि प्रभु श्री राम नहीं तो हनुमान नहीं, और ये संसार भी नहीं। आप त्रिदेवों को मुझे नागपाश का तोड़ बताना ही होगा, बताना ही होगा। प्रणाम देवेश्वर। प्रणाम ब्रह्मदेव। हे महादेव, हनुमान का रौद्र रूप धारण कर इस प्रकार अपना आकार बढ़ाना तो प्रलय का संकेत है। महादेव, राम अवतार का प्रयोजन तो रावण वध एवं उसके पापों से संपूर्ण सृष्टि को मुक्त कराना था, परंतु अब तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे एक अनिष्टकारी प्रलय संपूर्ण सृष्टि को ले जाए, नष्ट कर देगी उसे। ऐसी स्थिति में मेरे द्वारा हनुमान का पथ प्रदर्शन करना अब अनिवार्य होगा। पुत्र हनुमान, प्रणाम ब्रह्मदेव जी। देखिए ना कैसा अनर्थ हो गया। अपने आप को संभालो पुत्र, इस संकट से श्री राम को तुम्हें ही तो उबारना है पुत्र। वही करने के लिए तो हनुमान सदैव तत्पर है प्रभु। प्रभु सेवा तो मेरे जीवन का प्रयोजन है, इस संकट से मुक्ति मेरा उद्देश्य है। परंतु मुझे बताइए ब्रह्मदेव जी, ये कार्य कैसे पूर्ण करें हनुमान? पुत्र, नागपाश का तोड़ गरुड़ देव जी के पास ही है, तुम्हें उनको यहां लाना होगा। सृष्टि की स्थापना से गरुड़ों एवं सर्पों की शत्रुता सर्वविदित है पुत्र। उन्हें देखकर सर्प भयभीत हो जाएंगे और प्रभु श्री राम एवं वानर सैनिकों को अपने पास से मुक्त कर खड़े होंगे।
धन्यवाद प्रभु। तब तो मुझे अति शीघ्र वैकुंठ जाना चाहिए। नहीं पुत्र, ये प्रभु नारायण के विश्राम का समय है, और जब नारायण विश्राम कर रहे होते हैं तब गरुड़ देव अपनी माता विंता की सेवा में रत रहे। हे ब्रह्मदेव जी, आपने मेरी उपाय बताकर मेरी चिंता हर ली, मुझे प्रस्थान करने की अनुमति दीजिए। जाओ पुत्र, परंतु एक बात का अवश्य ध्यान रखना, तुम्हारे पास कल प्रातः लंका में सूर्य की पहली किरण के स्पर्श करने तक का ही समय है। प्रणाम ब्रह्मदेव जी। तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो पुत्र। जय श्री राम। माँ की सेवा कर रहे हैं। हे विनता पुत्र गरुड़ देव जी, मुझे एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य के लिए आपकी सहायता चाहिए। आप जो कोई भी हैं, प्रतीक्षा कीजिए। इस समय मैं अपनी माँ की सेवा में व्यस्त हूं, जिसमें मुझे किसी भी प्रकार का व्यवधान स्वीकार नहीं। पुत्र, एक बार देख तो लो, बाहर कौन गुहार लगा रहा है? क्या पीड़ा है उसे? माता, इस समय स्वयं भगवान भी मेरे चौखट पर क्यों न खड़े हों, तो भी मैं अपने स्थान से नहीं हटूंगा, और माता से बढ़कर तो स्वयं भगवान भी नहीं होते। अब क्या करूं? मुझे शीघ्रता करनी चाहिए, परंतु पुत्र को मां की सेवा से दूर करना भी तो अनुचित है। जिस हनुमान को मेघनाथ का ब्रह्मपाश नहीं बांध सका, उस पर नागपाश का भी कोई प्रभाव नहीं हुआ होगा, और जब तक हनुमान सुरक्षित है वो मेरे स्वामी श्री राम को भी कोई हानि नहीं पहुंचने देगा। माता, जब लंकेश को ज्ञात होगा कि आप उनके आदेशानुसार युद्ध स्थल पर नहीं गई, तो वो क्या करेंगे, इसका भय मुझे सता रहा है। क्यों किया मेरे आदेश का उल्लंघन? क्यों नहीं गई तुम रणभूमि में? उस वनवासी को मरणासन्न अवस्था में देखने का साहस नहीं जुटा सकी क्या? तुम तो कहती थी कि तुम्हारा और उस वनवासी का आत्मा का संबंध है, परंतु वो वनवासी न तो मृत्यु के मुख में प्रवेश कर रहा है और तुम पूर्ण रूप से स्वस्थ हो। याद है क्यों? क्योंकि तुम मुझे स्वीकार करो। जिस प्रकार मृत शरीर को घर में नहीं रखा जा सकता, ठीक उसी प्रकार विकार फेंको उसे अपने हृदय से और बन जाओ मेरे पटराने। रुक जाओ, वही रुक जाओ तुम राक्षस राज रावण। व्यर्थ स्वप्न देखना छोड़। क्या तुम्हें ज्ञात है तुम्हारे पुत्र ने नागपाश से किस किस को बांधा है? भली भांति ज्ञात है मुझे, उस वनवासी नर को, उसके अनुज को, उस वानर राज सुग्रीव को, संपूर्ण वानर सेना को। और यदि तुम वहां जाते तो स्वयं अपने नेत्रों से देख लेते। ये राम भक्त हनुमान आपको विश्वास दिलाता है आपके दुख के दिन अब समाप्त होने वाले हैं। सज्जन लोगों के लिए अप्रसन्नता और उल्लास के दिन समीप हैं,
और दुष्टों का नाश शीघ्र होने वाला है। कदाचित तुम्हें ज्ञात नहीं, एक वानर है जिसे तुम्हारा पुत्र बात नहीं सका। ज्ञात है वो वानर कौन है? हनुमान, 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 वो हनुमान जो देखते ही देखते सबको इस संकट से मुक्त भी करा देंगे। और फिर पूर्व काल में जिस प्रकार तुम्हारी लंका जली थी, उसी प्रकार तुम्हारा अहंकार जलेगा। जलेगी तुम्हारे उस वनवासी नर की चिता। कल प्रातः काल उसका दाह संस्कार दिखाऊंगा तुम्हें। तो वानर कुछ नहीं बिगाड़ सकता हमारा, जो अपनी सेना के मूर्छित वानरों को देखकर भाग गया। तुम अब मात्र हमारे विवाह की प्रतीक्षा करो। पुत्र हनुमान, अब मेरी समस्त आशाएं तुमसे ही जुड़ी है। तुम्हें सुरक्षित होना ही होगा पुत्र, क्योंकि तुम ही मेरे स्वामी शेरा और उनकी संपूर्ण वानर सेना को इस संकट से मुक्त कराने में सक्षम हो। माँ के विश्वास को टूटने मत देना पुत्र। मुझे सूर्य उदय से पूर्व ही गरुड़ देव जी के साथ लंका पहुंचना ही होगा, परंतु माता के सेवा के पुण्य कर्म में व्यवधान डालना भी तो अनुचित होगा। अब क्या करें हनुमान? देव जी, मुझे माता निद्रा मग्न है, कृपया मध्यम स्वर में कहिए, अन्यथा उनकी निद्रा भंग हो जाएगी। मुझे मेरी माता के लिए फल लाने हैं, अन्यथा माता जब निद्रा से उठेंगी तो उन्हें मैं क्या भोजन करवाऊंगा? प्रतीक्षा कीजिए। गरुड़ देव जी, मुझे अब से हे प्रभु, ये कैसी दुविधा में फंस गया मैं? इस प्रकार गरुड़ देव जी को प्रातः होने से पूर्व लंका कैसे लेकर जाऊंगा? इतनी अधीरता से प्रातः काल की प्रतीक्षा कर रहा हूं मैं। कल लंका में सूर्योदय समय से पूर्व हो जाना चाहिए। मैं समय की मर्यादा से बंधा हूं लंकेश, इसका उल्लंघन करना मेरे लिए धर्म के विरुद्ध होगा। कदाचित आप भूल रहे हैं कि अन्य नव ग्रहों के साथ आप भी मेरे अधीनस्थ हैं। मेरे आदेश का पालन कीजिए, अन्यथा सदा के लिए आकाश से मिटने के लिए तैयार हो जाइए। तुम मुझे मेरी मर्यादा भंग करने के लिए विवश कर रहे हो लंकेश, किंतु स्मरण रखना, पूर्व में भी तुमने नव ग्रहों को बाध्य करने का प्रयत्न किया था और तब बालक हनुमान ने सबकी रक्षा की थी। किंतु आज जब वो एक महाबली योद्धा है, वो ऐसा अनर्थ कदापि होने नहीं देगा। गुरुदेव, एक बार तुम्हारी किरण लंका में प्रवेश कर जाए, फिर मैं देखता हूं महाबली योद्धा क्या कर पाता है। सूर्यदेव, अपनी गति को बढ़ाना मत भूलना। न जाने कब तक आएंगे गरुड़देव, अधिक विलंब हुआ तो
अनर्थ हो जाएगा। रावण ने मुझे समय की मर्यादा भंग करने के लिए बाध्य कर दिया है। पुत्र मुझे जल चाहिए। पुत्र मुझे जल दो। लीजिए माता जल। तुम कौन हो? माता, आप मुझे अपना पुत्र ही समझिए। नहीं पुत्र, नहीं, ये तुम गरुड़ को ही करने दो। आप मुझे अपना पुत्र भी कह रही हैं और सेवा करने से वंचित भी कर रही हैं। माता, आप मुझे अपनी सेवा करने का अवसर दें। क्या तुम गरुड़ के मित्र हो? और तुम इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हो? माता, मैं प्रभु श्री राम का सेवक हनुमान हूं। माता, मैं चिंतित इसलिए हूं कि इस समय प्रभु श्री राम के जीवन पर बहुत बड़ी विपदा आई है। लंका में उन्हें एक मायावी राक्षस प्राण घातक नागपाश में बांध दिया है। माता, मात्र गरुड़ जी ही उन्हें नागपाश से मुक्त करा सकते हैं, किंतु गरुड़ जी आपकी सेवा में रत थे, इसलिए उन्हें नहीं बता पाया। अन्यथा आपकी निद्रा भंग हो जाती। माता, यदि प्रभु सूर्य उदय से पहले नागपाश से मुक्त नहीं हुए तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। माता, चिंता मत करिए हनुमान। हम समय रहते लंका पहुंच जाएंगे। गरुड़ देव, आप चलेंगे ना? हनुमान, प्रभु श्री राम प्रभु नारायण के अवतार हैं और मैं उनका वाहन हूं। वो विपदा में है तो मैं यहां कैसे रुक सकता हूं? शीघ्र चलिए, सूर्यदेव की प्रथम किरण से पूर्व हमें लंका पहुंचना होगा। क्षमा करे प्रभु, हनुमान तो देवताओं का ही कार्य कर रहे हैं और हम देवता होकर हनुमान के मार्ग में कठिनाइयां उत्पन्न करें, क्या ये उचित है? अरुण देव, हनुमान मेरा शिष्य है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो प्रभु श्री राम और उनकी सेना को इस संकट से तो मुक्ति दिलाएगा ही, मुझे भी समय की मर्यादा को भंग करने से बचाएगा। लंका में अचेत पड़ी हुई है। दुष्ट रावण कोई क्रूरता करे, उसे पूर्व हमें वहां पर पहुंच जाना चाहिए। जय श्री राम। सूर्य की रश्मियां तो लंका की धरती को स्पर्श करने ही वाली है। सूर्यदेव
की किरणें तो बहुत ही तीव्रता से लंका की ओर बढ़ रही है। हनुमान एवं गरुड़देव इनसे पहले कैसे पहुंच पाएंगे? हनुमान, यदि हम सूर्य की किरण से भी अधिक तीव्र गति से लंका पहुंच भी गए, तब भी हमारे पास इतना समय नहीं बचेगा कि हम प्रभु एवं अन्य सबको नागपाश से बचा पाएं। मुझे भी ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। तो फिर सोच क्या रहे हो? क्या भूल गए कि बाल्यकाल में तुमने क्या किया था? तुम में इतना सामर्थ्य है कि तुम सूर्य देव की रश्मियों को लंका तक पहुंचने से रोक सकते हो। उचित है, मैं किरणों को रोकने का प्रयास करता हूँ। आप शीघ्र जाकर सबको संकट से मुक्त करिए। हाँ हनुमान, मैं शीघ्र जाता हूँ। उत्तम, अति उत्तम। सूर्य ने अपनी गति तीव्र कर दी है। अब लंका में सूर्य अपने नियत समय से पूर्व ही उदित हो जाएगा। सफलता की कुंजी है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।